कोरोना वायरस का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। दुनिया में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने के बाद कोरोना की रफ्तार थमी है। इस महामारी से जमकर कोहराम मचा है। इसका सबसे ज्यादा असर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में देखा गया। यहाँ 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन जॉनसन उन पलों को याद करती है और बताती है कि कैसे वो वैक्सीन बनाने के लिए मजबूर हुई। उनका कहना है कि न्यूयॉर्क शहर में जब वो अपने घर के पास हुई मौतों और आर्थिक आपदा का गवाह बनी तो वायरस को हराना उनके लिए पर्सनल हो गया। कैथरीन ने कहा, हम न्यूयॉर्क के हॉट जोन में रह रहे थे, जो भी हो रहा था हम रोज उसके गवाह बन रहे थे। और मेरे लिए सबसे चिंता की बात ये थी कि जब हम अपने कुत्तों को लेकर अस्पताल परिसर जाते थे, वहाँ पार्किंग स्थल में कतार में लगी ट्रक नजर आती थी और उनमें शव होते थे। कैथरीन ने कहा कि इसके बाद आर्थिक पहलू भी, ये देखकर मुझे टीका बनाने की इच्छा जागी, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। ये एक तरह से निजी हो गया था। हमने उसे दुश्मन के तौर पर देखा। हम वायरस से लड़ना चाहते थे, उसको हराना चाहते थे और किसी चीज से तो मतलब ही नहीं था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।